नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं जस्ट किडिंग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका जो फोटो है, फोटो का जो बैकग्राउंड में स्काई रहता है वो एक सेकंड में किस तरफ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐप का जरूरत है जिस ऐप का नाम है पिकनिक। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरफ का ये ऐप दिखता है, ठीक है। तो चलिए ऐप को ओपन करके देखते हैं किस तरफ का ये एडिटिंग करता है। तो उस टाइम वेट कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको इस अब अभी अभी फोटो आपका कैमरा से ले सकते हैं और गैलरी से भी आप लोग फोटो चूज कर सकते हैं। तो मैं गैलरी से एक फोटो चूज कर लेता हूं। तो मेरा एक फोटो मैं चूज कर लेता हूं। तो देखिए इस तरह इस टाइम में जो स्काई है, ये स्काई नॉर्मल सा स्काई है, आप लोग देख पा रहे हैं इधर, ठीक है। तो आपको मैं ये चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इधर बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको इस तरह का चेंज करने के लिए, स्काई चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके टैप करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसका इस टाइम में जो स्काई है कुछ अलग सा हो गया है। तो आप इस स्काई का कुछ आपको स्काई ज़्यादा लग सकता है और कम भी लग सकता है। तो आप इधर से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं इधर आपको टैप करके, ठीक है। और इधर आपको टैप करके आपका कलर फिल्टर कर सकते हैं। आपको ये दिखाता हूँ, देखिए स्काई ज़्यादा लगेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसका कलर फिल्टर आपको कम करना है तो कम कर सकते हैं इस तरफ से। अब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। सभी का जो जितना भी इधर स्काई का ऑप्शन है सभी का इस तरफ से प्रोसेस है। तो मैं और एक स्काई चूज कर लेता हूँ। देखिए इस टाइम का कुछ अलग से हो गया है। तो इस ए आप थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा कम कर दीजिए तो आपका पिक्चर जो अच्छा लगेगा, और इसका कम कर दीजिए, इसके बाद स्काई को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर देखिए ये स्काई जो है मेरा कुछ अलग सा काई हो गया है और मेरा जो पिक्चर का जो इमेज था वो भी एक अच्छा सा लग रहा है। तो आप इस तरफ से बहुत सारा ये आपको स्काई जो चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग आपका जो फोटो है बहुत अच्छा से एडिट कर सकते हैं। तो और आपका जो फोटो है बहुत आपको अच्छा करके एडिट कर सकते हैं और आपका जो फोटो है एडिट करने के बाद अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इधर जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, ये तीर चिन्ह का जो लोगो दिखाई दे रहा है, इधर आपको टैप करके आपका ये जो फोटो है सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये जो इसके ये जो राइट चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके मतलब है आपका जो फोटो है गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता है, आपका एक सेकेंड में आपका जो बैकग्राउंड स्काई रहता है वो एक सेकेंड में तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो फोटो है आप अच्छा करके एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस तरफ का ऐसा इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें जस्ट किडिंग चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए।